हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आदित्य राज और आप देख रहे हैं आल स्मार्ट टैच। तो गाइस, अगर आप एक यूट्यूब प्रेमी हैं, अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं यानी MP3 या वीडियो या मूवी देखते हैं गाइस, और आपको वो वीडियो सीधा सीधा अपने फाइल मैनेजर में डाउनलोड करना है गाइस, तो सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं गाइस, बट आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड नहीं हो पाता। तो गाइस, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक और वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। गाइस, आज मैं उस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को आप यूज़ करके सीधा सीधा YouTube के वीडियो यानी मूवी गाना हो गया सीधा सीधा अपने फाइल मैनेजर में डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ऐप्स है उसको डाउनलोड कर लेना है गाइस। अगर आप अनदर ऐप्स यूज़ करते हैं तो उसमें यूट्यूब के जो वीडियो हैं उनके लिंक कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है गाइस, यानी आपको यूट्यूब यूट्यूब को क्लोज करके दूसरे ऐप्स में जाना पड़ता है गाइस। मैं जिस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, आप यूट्यूब पे ही रह के किस तरह से उस वीडियो को चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे वो गाना हो चाहे वीडियो हो या कोई मूवी हो गाइस, सीधा सीधा अपने फाइल मैनेजर में डाउनलोड कर पाएंगे इस आसान से ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेनी है, जैसे कि मैं कर दिया हूँ। यहाँ पे सिंपली गाइस आपको सर्च करना है, सिंपली यहाँ सर्च बार पे टाइप करता हूँ फ्रेंड्स ना। SNAPTUBE स्नैपट्यूब APK यहाँ पे लिख के आ गया है फ्रेंड्स। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपट्यूब यूट्यूब डाउनलोडर एंड MP3 कन्वर्टर, यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। मैं इस ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना गाइस। आपको ये ऐप्स प्ले स्टोर पर नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं गाइस, तो आपका वीडियो या MP3 सॉन्ग ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन करके दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से खुल के आ जाएगा, आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपको परमिशन मांगेगा, उसको आप सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग फाइल करके आ गया है, अपना फाइल डाउनलोड हो रहा है। गाइस, मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। ऐप्स को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, इसको परमिशन दे देना है अलाउ करके। ये देखिए गाइस, आप सिंपली आप बैक आ जाइएगा। चलते हैं गाइस अपने यूट्यूब पे। यूट्यूब ये रहा गाइस हमारे यूट्यूब। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है। यूट्यूब पे गाइस ये हमारे सामने एक वीडियो है, मैं उसको डाउनलोड करके बताने वाला हूँ गाइस। इससे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो एप्स पे और कोई वीडियो नहीं है, ना कोई गाना नहीं है, और MP3 म्यूजिक पे भी देख सकते हैं आप।
कि कोई गाना वगैरह नहीं है। तो सिंपली गाइस मैं आपको ये ट्रिक प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो गाइस हमारे सामने ये एक वीडियो है, मैं इसको वीडियो और MP3 दोनों डाउनलोड करके बताने वाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको शेयर पे क्लिक करनी है। शेयर पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे गाइस आपको स्नैपट्यूब सर्च करना है, ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए गाइस डाउनलोड विद स्नैपट्यूब करके उसका लोगो सिंबल आ गया है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से ऑप्शन आएगा, ये देखिए गाइस यहाँ पे देखिए डाउनलोड वीडियो वर्स और नीचे लिखा हुआ है म्यूजिक। तो देखिए गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ गए हैं। यहाँ पे आपको गाइस जो भी बेटर लगता है आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो डाउनलोड करना चाहता हूँ और गाइस मैं इसको छोटा साइज में ही डाउनलोड करना चाहता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। जैसे कि सेकंड नंबर पे है 2.40p करके, ये गाइस 13.4 MB का, तो मैं इसी को डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ गाइस। तो जैसे ही क्लिक किया गाइस देखिए आपके सामने वो डाउनलोड हो रहा है गाइस। आपके सामने ये नोटिफिकेशन सामने लिख के आ गया है कि आपका गाना डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो डाउनलोड हो रहा है। और गाइस इसी को हम MP3 भी डाउनलोड करने वाले हैं। तो सिंपली शेयर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर से वही, यहाँ पर भी वही फिर से दोहराएंगे, स्नैपट्यूब पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो मेरे को MP3 128K ये बहुत अच्छा लगता है गाइस, तो मैं यही डाउनलोड करने वाला हूँ। लेकिन गाइस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे MP3 128K और उसके साइड में M4A 128K ये है गाइस लिख के आया हुआ है। तो आपको सिंपली MP3 पे क्लिक करेंगे तभी आपका MP3 डाउनलोड होगा गाइस। तो चलिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका भी नोटिफिकेशन सामने लिख के आ गया गाइस। आप देख सकते हैं दोनों डाउनलोड हो रहे हैं, वीडियो जहां तक डाउनलोड हो गया है गाइस कंप्लीटेड, और ये नीचे जो डाउनलोड हो रहा है वो गाना है अपना। तो इसको सिंपली डाउनलोड होने देते हैं गाइस, इसके बाद आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे गाइस। ये साउंड मेरे बिट्टू का है जो कि मैंने रखा हुआ है, बाहर गया था घूमने के लिए, बारिश हो रहा है, भीगा हुआ है, तो अभी मेरे पास आया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली दोनों डाउनलोड हो गए हैं। तो चलिए गाइस हम अपना वीडियो ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो ब्राउज़र गाइस। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए गाइस सेकंड नंबर पे लिख के आ गया है रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, यही गाना मैंने डाउनलोड किया हुआ था। तो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ गाइस, बट इसका साउंड मैं ओपन नहीं करूँगा।
गाइस मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके इसका जो क्वालिटी है वो रफ क्वालिटी में डाउनलोड किया हुआ है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और गाइस चलिए अपना गाना को देख लेते हैं कि गाना डाउनलोड हुआ कि नहीं। सिंपली म्यूजिक एप्स को ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए गाइस नीचे लिख के आ गया है, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, यही वाला गाना हमने डाउनलोड किया हुआ था। अब ये प्ले होता है कि नहीं गाइस चलो प्ले करके देख लेते हैं, बट साउंड इसका भी माउथ रहेगा गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये भी प्ले हो रहा है। तो गाइस ये प्रूफ हो गया है कि ये एप्स बहुत कमाल का है, इसकी सहायता से बिना यूट्यूब से बाहर निकले गाइस आप कोई भी वीडियो गाना या मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस घंटी बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम जल्दी ही मिलेंगे फ्रेंड्स मेरे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।